सुश्रिया, पहले तो E24 पर आपका स्वागत है, साथ ही साथ कॉन्ग्रेचुलेशन आपके लिए। साल डेब्यू के साथ एक कहा जाए नई खुशियां लेकर आया और हमारी इंडस्ट्री को एक प्यारा सा खूबसूरत और टैलेंटेड एक एक्टर मिला है। कॉन्ग्रेचुलेशन श्रेया। थैंक यू सो मच, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। थैंक यू सो मच उमेश। सुश्रेया, इस साल की बात करें तो इस साल ये साल आपके लिए खास रहा, ये कैसे शुरुआत हुई थी इस साल की, अगर इस साल की बात करें तो? मैं एक्चुअली आप बिलीव नहीं करोगे, मैं बिगिनिंग ऑफ द ईयर में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हेड स्पेस में थी, क्योंकि क्या हो गया, आई थिंक फेब तक ही मुझे पता चला कि कोरोना वायरस जो है ये पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है। तो तब से मुझे बहुत, और मैं बहुत टेंशन लेती हूँ लाइफ में कि आगे क्या होने वाला है, तो मुझे लगा अभी क्या होगा, क्योंकि लकीली हमने पूरी डबिंग जो है बंदिश मैडम्स की सब कुछ हमने खत्म कर दिया था, पर आई वॉज नॉट श्योर कि अभी क्या आगे क्या होगा। थिएटर्स भी बंद हो रहे थे, तो मुझे लगा पता नहीं क्या होने वाला है अभी। तो मैं काफी एक डिफरेंट हेड स्पेस में चली गई थी, पर ऑफ कोर्स एट दैट टाइम देख कर कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है, आई फेल्ट वेरी स्मॉल कि मैं इस बारे में सोच रही हूँ। तो आई वेरी कॉन्शियसली स्टॉप थिंकिंग कि आगे क्या होने वाला है, एंड लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड। लकीली मेरे जो फैमिली फ्रेंड्स है सब हेल्थी है, सब सेफ है, मेरे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो वही सोचते सोचते ऑफ कोर्स हम लॉकडाउन में चले गए थे, तो आई वाज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम विद माय फ्रेंड्स एंड फैमिली, और मैंने बहुत लाइफ में आई थिंक पहली बार बंद कर दिया था थिंकिंग अबाउट वर्क, या पहले था स्टडीज, अब हो गया था काम के बारे में सॉरी तो मैंने वो ब्लॉक कर दिया था। फिर सडनली आई थिंक लाइक अ सिल्वर लाइनिंग फॉर मी, मुझे आनंद जो मेरे डायरेक्टर है और अमृत जो मेरे प्रोड्यूसर है बंदिश बैंड्स के, उनका कॉल आया और उन्होंने बताया कि हमारा शो जो है वो फाइनली वो रिलीज होने वाला था अमेजोन प्राइम पे, 300 कंट्रीज में रिलीज होने वाला था, पूरे हमारे देश में भी ऑफ कोर्स। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि यू नो ये इस जो टाइम्स में मेरा काम निकलने वाला था आई एम सो सॉरी। तो मुझे बहुत उस वक्त बहुत ग्रेटिट्यूड थी, क्योंकि हम सब ने देखा था कि उसके पहले क्या टाइम चल रहा था, तो आई फेल वेरी हैप्पी। और वो ही मोटिवेशन के साथ जैसे हम अभी वर्चुअल इंटरव्यूज दे रहे हैं, हमने प्रमोशंस किए, तो द बिगिनिंग लाइक आई मीन आई फील कि मुझे ज्यादा याद भी नहीं है शायद, क्योंकि यू नो इट वाज जस्ट सच अ डिफिकल्ट, बहुत ऐसे कंफ्यूज डिसओरिएंटिंग था कि क्या हो रहा है क्या होने वाला है। तो आई फील कि बट ऑफ कोर्स यू हैव टू कंटिन्यू बीइंग पॉजिटिव। तो मेरे लिए वो ही था दैट आई वाज जस्ट होपिंग कि एवरीबॉडी इज हेल्थी एंड सेफ। मैंने काम के बारे में कंप्लीटली सोचना बंद कर दिया था उस वक्त एटलीस्ट। ओके, सो क्या कुछ बदला, कहा जाए बैंडिट्स के बाद क्या कुछ बदला, आसपास क्या बदला, क्योंकि एक धमाकेदार डेब्यू हुआ था, हर किसी की जुबान पर आपका नाम था, वो कैरेक्टर का नाम था तमन्ना, तो क्या आसपास क्या बदला? ये बदला कि लोग अभी मुझे श्रेया नहीं तमन्ना बोलते हैं, तो वो काफी एक नया चेंज है। कोई अगर मुझे कहीं भी मिलता है I'm so sorry. कहीं भी मुझे मिलता है या किसी से मैं बात करती हूँ जो मुझे जानता नहीं है, या लोग जो मुझे जानते भी है वो सब मुझे तमन्ना बोलते हैं, तो इट्स अ न्यू, आई फील न्यू, वेरी न्यू थिंग फॉर मी। तो बहुत अच्छा लगता है कि इतने सारे लोगों ने मेरा शो देखा है, हमारे शो को इतना सराहा है। तो और मेरे लिए आई थिंक एक बहुत स्पेशल बात ये है कि मुझे एक बहुत स्पेशल मैसेज मिला था, आई डोंट नो कहाँ पे, मेल पे या कहीं किसी ने मुझे, जिसने शो देखा था उन्होंने बोला इस कोरोना के टाइम्स में बंदिश बैंडिट्स फेल्ट लाइक अ वैक्सीन टू मी। मतलब ऑफ कोर्स वो बहुत बड़ी बात बोल दी, पर आई अंडरस्टैंड वेयर ही वाज कमिंग फ्रॉम। तो वो बहुत स्वीट लगा कि यू नो इन ऑल ऑफ दीज डिफिकल्ट टाइम्स, जैसे मेरे फैमिली ने भी जब भी देखा वो सब हंस रहे थे रो रहे थे साथ में देख के, तो वो बहुत अच्छा लगा कि यू नो पीपल आर यू नो गेटिंग टू यू नो डाइवर्ट देयर माइंड, कि वो अगर कुछ सोच रहे तो ये शो देख के उनको अच्छा लगा और इन्जॉय किया। तो ये सारी बातें मेरे लिए बहुत नई हैं। और ऑफकोर्स जब भी आपका काम निकलता है और इतने लोग देखते हैं, तो उसके बाद इट्स अ वेरी लवली फीलिंग फॉर एन एक्टर कि यू नो लोगों ने आपका काम देखा है। इस बंदिश बैंड्स तक आई डोंट थिंक मैंने काम तो ऑफकोर्स किया है, पर इस लेवल का काम मैं बोल सकती हूँ जिसको इतने सारे लोगों ने देखा है, और लोग अब मेरा नाम जानते हैं, मुझे जब भी मिलते हैं, अगर मैं किसी से मिलती हूँ जिसके साथ आई एम डाइंग टू वर्क, जैसे ये हुआ है, एक DOP थे, एक डायरेक्टर थे, एक एक्टर थे, जिनसे मिलके मुझे बहुत ऐसे एक्साइटमेंट थी क्योंकि आई एम गेटिंग टू वर्क विद देम, और उन्होंने मुझे बोला कि ओ आई हैव सीन बंदिश बैंडिट्स, और आई वाज जस्ट लाइक व्हाट, आप जानते हो कि मतलब मेरा नाम शायद से नहीं, पर आपने मेरा काम देखा है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात। तो ये सारे चेंजेस हैव बीन वेरी स्पेशल।
वरना जो उसके पहले हो रहा था ऑडिशंस मीटिंग्स वो तो कंटिन्यूअसली हो ही रहा है अभी भी एग्जैक्टली वही वो मैं प्रोसेस है वही श्रेया मैं आपसे पूछने वाला था कि आज हर कोई आपको कास्ट करना चाहता है, अपने साथ आपके साथ काम करना चाहता है, बट जो पिछले दिन रहे हैं या जो आपकी जर्नी रही है इसके पहले काफी रिजेक्शन से, क्या क्या किस तरह का रिजेक्शन था, क्या पीछे मुड़कर देखती हैं आपके किस तरह रिजेक्शन का भी हमें झेलना पड़ा था, आज ये खुशी मिल रही है, आज मेरे कैरेक्टर को इतना पसंद किया जा रहा है। यही होता है जब भी आपको रियलाइजेशन होता है कि आपका काम लोगों ने देखा है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बंदिश पैनल्स के बारे में बात करूं तो उसके पहले जो भी मुझे काम मिला है या नहीं मिला है आई रियलाइज कि दैट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस. मैं जितना भी ट्राई करूं वो कभी नहीं स्टॉप होगा. आप जितना भी छोटा या बड़ा मतलब काम कर दे इस इंडस्ट्री में सबके साथ रिजेक्शन सबके साथ अप्रूवल किसी ना किसी प्रकार में हो ही जाता है. तो आई फील लाइक पहले मैं उससे बहुत अफेक्ट होती थी क्योंकि आई वाज आल्सो यंगर एट दैट टाइम. मैंने जब स्टार्ट किया था कॉलेज के बाद और मुझे हमेशा से ऐसे लगता था कि एटलीस्ट मेरे पास डिग्री है बैकअप प्लान जो लोग बोलते नहीं होना चाहिए मेरे पास तो था ही. आई सेड ठीक है मैं वापस चली जाऊंगी. तो वो बहुत बार ऐसे लगता था कि यार ये नहीं हो रहा मैं वापस चली जाती हूँ पढ़ाई कर देती हूँ आई गेट अ जॉब ये जो भी है. पर आई रियलाइज दैट आई रियली लव डूइंग दिस. तो मैं क्यों अगर कोई और मुझे बोल रहा है तुम नहीं कर सकती मैं जिद्दी हूँ मैं आपके दिखाऊंगी कि मैंने किया और मैंने बहुत अच्छा किया. फॉर एग्जाम्पल तो ये सारी बातें मैं वैसी थी यू नो इनिशियली कि अरे मुझे मुझे नहीं मिला या जो भी है. मैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए अलग अलग रिएक्शंस मेरे होते थे अगर काम मिला या नहीं मिला. बट टुडे आई रियलाइज दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये होना ही है ये लाइफ लॉन्ग अभी है. तो आई जस्ट फील लाइक हर प्रोजेक्ट के साथ आपको सीखना पड़ेगा. और मैं यहाँ पे ना आई डोंट वांट टू सिट एंड साउंड लाइक कोई संत क्योंकि मैं हूँ नहीं मैं भी बहुत नहीं हूँ. तो मैं भी अपना जर्नी अभी डिस्कवर कर रही हूँ. मुझे नहीं पता कि कल अगर कुछ होगा नहीं होगा मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूंगी. पर हाँ मुझे यही चाहिए कि मुझ में ये क्षमता रहे कि मैं उस जो भी अप्रूवल या रिजेक्शन हो उसे अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करूँ. यू नो कुछ स्टुपिड ना करूँ जैसे कि ये सोचना कि नहीं ये नहीं हो रहा ना ठीक है रहने दो मैं कुछ और कर लूंगी. फॉर एग्जाम्पल नहीं आप करो ना यू जस्ट कीप वर्किंग और हो जाएगा. और आज डिजिटल की जो दुनिया है कहीं ना कहीं उसका सभी थैंक्स कर रहे हैं, क्योंकि ऑडियंस भी कर रही है कि इतने अच्छे से हमें एक्टर मिले, जैसे कि आपने दूसरी वेब सीरीज का भी देखा होगा, जयदीप द्विवेदी जैसे ऑफ कई, प्रतीक कोर्स गांधी, श्रेया, आप खुद, तो किस तरह हेल्पफुल है श्रेया ये जो हमारे एक्टर्स हैं, जो हमारे जो जिन्हें मौका नहीं मिल पाया उतना अच्छी तरह से फीचर फिल्मों में, किस तरह हेल्पफुल है? बिल्कुल. आपने इतना मतलब इतनी बड़ी बात कह दी कि ये जो सारे आई फील एक्टर्स आपने नाम लिया उनको आज अपना ड्यू मिल रहा है. मुझे इतनी खुशी मिली जब भी मैंने जयदीप सर का वो फिल्म फेस्ट स्पीच सुना. उन्हें अभी बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला. जी राहुल बोस को पहली आई थिंक 20 ईयर्स ऑफ हिस करियर उन्होंने बोला कि मुझे मेरी पहली इंडियन अवार्ड मिली है फॉर एग्जाम्पल. और मैं बहुत बड़ी फैन हूँ सबकी. और मेरा भी जो जर्नी रहा है क्योंकि ऋत्विक और मैंने साथ में डेब्यू किया है बंदिश पैनल्स में तो हम भी बात करते थे जी कि यू नो ऑडिशंस देना तो है ही और कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता. पर ऑफ कोर्स जो अपॉर्चुनिटीज है अभी वो बहुत ज्यादा खुल गई हैं एक्टर्स के लिए. एक बहुत अच्छा टाइम है एक्टर्स के लिए ऑडिशन देने के लिए. और जो कैरेक्टर्स भी मिल रहे हैं लोगों को इतने मतलब आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. यू कैन रियली चूज यू नो कैरेक्टर्स. तो बहुत एक्साइटिंग टाइम्स है हम सबके लिए. तो आई फील वेरी लकी एंड हैप्पी कि मैं इस जो एक क्या बोल सकते हैं फैमिली जो है ओटीटी फैमिली या जो भी कंटेंट फैमिली जिसे हम बोलते हैं वो आई एम अ पार्ट ऑफ इट. तो बहुत अच्छा लगता है एंड आई फील आई होप दिस कंटिन्यूज. एंड नॉट जस्ट आई मीन आई फील ये जो सारे अपने स्टार्स जिनका नाम दिया अभी वो जस्ट ओटीटी के ही स्टार्स नहीं वो अभी बोनाफाइड स्टार्स हो गए हैं. आई कांट वेट टू सी देम इन मोर शोज या फिल्म हो या जो भी. आई फील प्लेटफॉर्म डजंट रियली मैटर. पर या आई कांट वेट टू सी उनका और काम. तो बहुत ही अच्छा टाइम है आई फील अभी एक्टर्स के लिए. सुश्रिया, आपकी फैमिली में कोई इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करता, सभी कहा जाए इंडस्ट्री से कोई वास्ता ही नहीं रहा आपकी फैमिली का, तो उनका क्या रिएक्शन होता है, जिस तरह की अचीवमेंट आप अभी अचीव कर रही हैं, लोगों से इतना प्यार मिल रहा है, उनके लिए तो नई बात होगी ये सब? नहीं बिल्कुल उनके लिए बहुत नई बात है. और वो काफी क्योंकि स्पेशली मेरे जो डैड है वो बहुत वो बिजनेस यू नो बिजनेस मैन है. तो उनको ज़्यादा पता नहीं था कि फिल्म्स कैसे बनती है क्या होता है फिल्म बनाने में या शो बनाने के लिए.
तो जब भी वो सेट पे आए थे, एक बार ही, एक ही बार आए थे, और वो हमारे 10वें एपिसोड के शूट के लिए आए थे, तो ही वाज शॉक, क्योंकि ही हैड द गुड फॉर्च्यून ऑफ सीइंग नसीर सर परफॉर्म, अतुल सर परफॉर्म, राजेश सर परफॉर्म, शिवा मैम परफॉर्म. तो उनको तब महसूस हुआ कि इट्स सो मच हार्ड वर्क. जैसे एक बिजनेस, जैसे कंपनी में आप इतने सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, और जब वो सब साथ में काम अच्छे से करते हैं, देन और ऑफकोर्स डायरेक्टर प्रोड्यूसर सबका काम देख के आई फील लाइक हिज अप्रिसिएशन ऑल्सो इंक्रीज अ लिटिल मोर. बहुत लोग का ऐसे होता है, एंड इट्स नॉट राइट और रॉन्ग. बहुत जिस जिस इंडस्ट्री के बारे में आप ज्यादा जानते नहीं हो, आप कभी आपको लगता है कि हाँ शायद से ईजी होगा, बट आई सॉ देयर अप्रिसिएशन इन हिज आईज, और वो बहुत अच्छा था. So that is lovely ki, you know, he's seen the behind the scenes. But of course, Bandish Bandits ke baad bhi unko bahut khushi milti hai jab bhi log unko bolte ki are maine aapke beti ka show dekha. Kyunki pehle pehle mom dad thode se against to nahi bol sakti, par unko wo shock the ki like ye kaise aa gaya, tumhe actress kab se banna tha, ye suddenly kaise ho gaya, kyunki main bahut studious thi college aur school mein. To bahut naya unke liye, aur ब्यूटिफुल बात यह है कि मेरे लिए भी बहुत नया है, तो हम सब साथ में ये जर्नी इन अ वे जी रहे हैं. और क्योंकि ऑफ कोर्स ये दौर भी ऐसा है, आई एम स्पेंडिंग सो मच टाइम विद माय पेरेंट्स, व्हिच इज आल्सो अ गुड थिंग, क्योंकि दे रियली काइंड ऑफ ग्राउंडेड, मतलब ऐसे उठने की बात तो है ही नहीं, पर दे जस्ट कीप मी ग्राउंडेड कि हाँ ये अच्छा अप्रिसिएशन है, पर दिस इज नॉट व्हाई यू डिड व्हाट यू डिड. तुम इसने एक्ट्रेस बनी हो क्योंकि तुम्हें काम, अच्छा काम करना है और आगे बढ़ना है. फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें तुम जो अगर कोई आपको अच्छी बातें बोल रही है तो आप उसमें सुन लो, बहुत खुशी मिलती है, पर देन नाउ मूव ऑन, व्हिच आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो, कि मुझे याद दिलाते रहते थे दिस इज व्हाई यू आर डूइंग दिस, यू नो, डोंट एवर फॉरगेट दैट. एग्जैक्टली, काफी प्राउड वाली बात होती है श्रेया, और आपने अपने पेरेंट्स को प्राउड कराया है, और कहा जाए साथ ही साथ नसीर सर के साथ आपने काम किया, और एक्टिंग या परफॉर्मेंस को लेकर काफी हॉनेस्ट हैं वो, और अगर जिसके साथ भी वो काम करते हैं, न्यूकमर हो या सीनियर हो, उससे एक्टिंग या उसकी बात करें तो डिस्कस करते हैं, बातें करते हैं. क्या कुछ शेयर आपने सीखा नसीर सर से, उनसे मुलाकात में उनके साथ शूट करते हुए? मैं आपको, अगर मैं स्टार्ट करूंगी उमेश, तो हमें पूरा दिन लग जाएगा या उससे भी ज्यादा, क्योंकि अगर आपने, आई मीन जिस जिन्होंने ये शो देखा है उनको पता है कि मेरे ज्यादा मतलब डायरेक्ट सीन्स नहीं उनके साथ. मैं बहुत आती थी सेट पे जब भी वो काम कर रहे हैं, और शूट के पहले या बाद, या हमें आई फील वेरी ब्लेस्ड कि हमें ये मौका मिला कि ऋत्विक और मुझे और कुछ और एक्टर्स को उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए, ही डिड अ वर्कशॉप विद अस, और वो हमारे साथ बातें करते थे. सो आई फील वेरी प्रिविलेज कि मुझे ये मौका मिला टू इंटरैक्ट विद नसीरुद्दीन शाह और जो भी सारे एक्टर्स हैं. एंड ही इज सच अ गिविंग एक्टर तो है ही, पर ही सच अ गिविंग ह्यूमन बीइंग, क्योंकि ऑफकोर्स बहुत इनिशियली डर तो नहीं मैं बोल सकती, पर एक एक रिस्पेक्ट के तौर पे मैं ज्यादा उनके उनसे बात नहीं करती थी. एंड ही रियलाइज दैट, एंड ही स्टार्टेड, यू नो, ईजिंग मी आउट, स्पीकिंग टू मी, वो मुझसे बात करते थे. तो बहुत ऐसे, वो जब भी कोई आपको एक रिसेप्टिव फीलिंग देती है ना, तो आपका भी मन करता है आप उनसे बात करें. तो मेरे लिए उनके लिए बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट है और लव है, नॉट जस्ट एज एन एक्टर बट एज अ ह्यूमन बीइंग आल्सो. सो न्यू ईयर आ रहा है, अपने ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे न्यू ईयर के खास मौके पर? मैं पहले तो सबको नए साल की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और आपको भी उमेश, जो भी ये देख रहा है, आई होप यू हैव अ फैंटास्टिक न्यू ईयर. एंड आई जस्ट होप, आई थिंक बहुत ऐसी चीजें ना सबको चाहिए कि ये बेटर हो, ये बेटर हो, ये हो जाए, ये हो जाए, बट आई थिंक द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हम सब हेल्थी रहे. ये जो कोरोना वायरस का बोझ हम पे आया है वो किसी तरह नष्ट हो जाए, और जो नया स्ट्रेन आया है, सो आई जस्ट फील कि ऑफ कोर्स वो रहे ना रहे, वी आर मूविंग ऑन, बट जस्ट बी केयरफुल एंड बी सेफ एंड बी स्मार्ट. सो यस, जस्ट टेक केयर, एंड अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी. थैंक यू सो मच श्रेया, होप कि इस साल जैसे ही अपने कैरेक्टर्स, अपने जो छोटे छोटे कहा जाए जो मोमेंट्स थे आपके सीरीज के, जैसे हमको एंटरटेन किया है, आगे आने वाले दिनों में भी आप ऐसे हमें एंटरटेन करते रहे, और हर किसी के बीच में आप खुशियां फैलाते रहे. थैंक यू सो मच श्रेया हमसे बात करने. थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच मुझे मौका देने के लिए टू एंटरटेन यू, एंड आई होप आई कैन कंटिन्यू डूइंग दिस. टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू.